राष्ट्रीय संत परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज पीठाधीश्वर क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन राष्ट्रीय संत उमेश नाथ ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर थाना अंतर्गत हृदय विदारक जो घटना साधु संतों के साथ घटित हुई वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए निंदनीय घटना है। ऐसी घटना से ऋषि मुनियों के राष्ट्र का सिर नीचे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र की सरकार जो एक भगवा ध्वज के साथ खड़ी हुई है उसको भी शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना से न केवल महाराष्ट्र लेकिन पूरे राष्ट्र का संत समाज हिल चुका है। पालघर में अत्यंत ही हृदय विदारक एक घटना आप सब लोगों को ध्यान में आई होगी कि वहां गढ़चीचले नामक ग्राम में दो साधु संतों के साथ एक इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई है कि उसको अपने नेत्रों से देखना भी मुश्किल का काम है। और वैसे तो कहने में भारत ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, संतों का राष्ट्र है, और इस राष्ट्र में रहने वाले भी बड़े दयालु होते हैं। यहाँ तो कहा भी गया है कि दया धर्म का मूल है, और ऐसी ऋषि मुनियों के देश में अगर महाराष्ट्र राज्य जहां पर अनेकों संतों और महापुरुषों की धरती है, ऐसे महाराष्ट्र में अगर साधु संतों को पीट पीट करके मार डालें तो हमारे भारत की आन बान शान जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, भारत विश्व गुरु है, ऐसे समय में पूरा विश्व क्या सोचता होगा कि क्या विश्व गुरु के देश में भी संतों के प्रति इतनी क्रूरता हो सकती है। और अगर इतनी क्रूरता होती है तो तुरंत भारत की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार इस पर निर्णय ले, और निर्णय लेकर के क्रूरता का जो तांडव देखने को अभी मिला है वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको वो स्वयं भी देखे और देख करके निर्णय ले।